मैं हूँ सैयद नूरान और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। रोशन बेग जो कांग्रेस के फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं कर्नाटका के, और उनको सीबीआई ने कल अरेस्ट कर लिया। तो सीबीआई का यह मानना है कि उनके पास मटेरियल एविडेंस है जिससे वो प्रूफ होता है कि रोशन बेग इसमें इन्वॉल्व है, यानी आईएमए के पोंजी स्कैम में इन्वॉल्व है। 4,000 करोड़ का पोंजी आईएमए स्कैम, आईएमए का स्कैम जो जून 2019 को बाहर आया था, जब इन्वेस्टर्स को ऑल ऑफ अ सडन उनके कमीशन्स आना बंद हो गए थे। तो इस पोंजी स्कैम के बाद आईएमए के ओनर मंसूर अली खान जब अचानक ही गायब हो गए, और उनका एक ऑडियो आया था, ऑडियो रिलीज़ हुआ था, जहां उन्होंने ये कहा कि रोशन बेग 400 करोड़ का कमीशन ले चुके हैं आईएमए से, आईएमए की कंपनी से, और इस स्कैम में और इस आईएमए के घोटाले में रोशन बेग का इक्वल हाथ है। तो इसी के चलते कल सीबीआई ने रोशन बेग को अरेस्ट कर लिया और उनको 14 डेज़ की जुडिशियल कस्टडी में भी ले जा चुके हैं। कल सीबीआई की रेड हुई थी रोशन बेग के घर में और उनको कल अरेस्ट कर लिया, और आज सवेरे भी 7 लोगों की टीम जो न्यू दिल्ली से आई थी, उन्होंने उस रोशन बेग के 3 माले बिल्डिंग में हर तरफ हर कॉर्नर में उन्होंने छानबीन की, उन्होंने रेड लगाया, और वापस से उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। और अब फिलहाल हम रोशन बेग के घर के बाहर खड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे रोशन बेग का घर है। और रोशन बेग और आईएमए स्कैम के बारे में हम आपको लेटेस्ट खबर देते रहेंगे। आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं सैयद नूरान।